मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा डेली ब्लॉग। सो गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। सो फ्रेंड, हेयर्स के बारे में एक्चुअली आप लोगों ने थंबनेल पढ़ के पता चल गया कि क्या डिस्कशन होगा, फिर भी बोल रही हूँ। हेयर्स के लिए आज बात करेंगे, जिसके मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हेयर्स में। कोई कोई स्ट्रेट करने का बात होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई कोई आता है, बहुत सारी हाईलाइट कर लेती है और उनके हेयर्स में स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फ्रेंड्स, तो हर प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन कहती हूँ मैं, और वो है स्पा, हेयर स्पा। तो हेयर स्पा होती है फ्रेंड्स, और बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन इतना आइडिया नहीं कि हेयर स्पा किस तरह से किया जाए, कि कैसे कौन सी हेयर में कौन सा शैम्पू कराया जाए, और तो स्टीम कितना लिया जाए, और मसाज, मतलब सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट होती है हेयर स्पा में। तो सबसे पहले आप पार्लर में जाएंगे या खुद भी घर में करती है, तो अपने हेयर्स को ध्यान दें कि आपका हेयर्स किस टाइप का है, कि आपने स्ट्रेटनिंग किया है या हाईलाइट किया है या कुछ नहीं किया है, और आपके स्कैल्प में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और हेयर्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सब कुछ मतलब पता होने के बाद ही स्पा करने की आप चिंता कीजिएगा। सो फ्रेंड, नहीं तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। कोई कोई होता है ना फ्रेंड, कोई स्ट्रेटनिंग नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया, फिर भी मतलब स्पा कर दिया, उसके लिए इतना अच्छा से खास मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जिसने हेयर स्ट्रेटनिंग किया, रिबॉन्डिंग किया है और हाईलाइट किया है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होती है हेयर स्पा, मतलब एक वरदान है स्पा उन लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, से हेयर स्पा को जरूर कीजिएगा। और कोई कोई होता है स्ट्रेटनिंग करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनकी हेयर्स में, और आती है कहती है कि दीदी देखो, मेरा हेयर्स बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रही है, मेरी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्टिंग हो रही है, और देखती हूँ तो बहुत सारे उनके हेयर्स में डैंड्रफ होती है। तो ये गलती आप लोग भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स। स्ट्रेटिंग करने के बाद हर पार्लर्स में कहती है कि स्पा लेने के लिए महीना महीने में, हो सके तो 15 दिन में लेने से और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा अच्छा वाला आपको। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके एक महीना होने से भी आप स्टीम के साथ पार्लर में जाके हेयर स्पा कीजिए, ताकि अपने हेयर्स को जितनी जो प्रोटीन चाहिए वो हम हर प्रोटीन आपके स्पा में मतलब मिल जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे आपके हेयर्स में। तो फ्रेंड्स, स्टेप को कभी मतलब लापरवाही में मत लीजिएगा हेयर स्पा को लेके। हमेशा अच्छे पार्लर में जहाँ आप ट्रस्ट करती हैं, जहाँ स्ट्रेटनिंग किया है, तो उस दीदी उस पार्लर में जाके उस ब्यूटिशियन से अच्छे से बात कीजिए कि अपनी हेयर्स में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कशन करके ही स्पा कीजिएगा। और स्कैल्प में यदि आपका ज़्यादा इचिंग हो रही है, और या फिर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा सूख रही है, डेंड्रफ हो रही है, उसका भी सॉल्यूशन है हेयर स्पा में। तो अच्छी तरह से बात को समझ के ही आप स्पा का ट्रीटमेंट लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं वीडियो में। और सबसे पहले स्पा के लिए फ्रेंड्स वॉश कराना है, तो प्योरीफाई शैम्पू से पूरी अच्छी तरह से शैम्पू करना है। हो सका तो गंदे मतलब तो हेयर्स हो तो दो बार वॉश कर लेना है, ताकि आपका जो हेयर स्पा का क्रीम है वो डीपली आपका हेयर्स में काम करे और तो आपकी हेयर्स को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करे। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से वॉश करा रही हूँ अभी मैं हेयर्स को। अभी फ्रेंड वॉश हो गया, अभी टॉवल ड्राई करना है 90%। तो देखते रहिए वीडियो को। और मैं फ्रेंड्स अभी क्रीम लूँगी लॉरियल्स का, लॉरियल प्रोफेशनल ये है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो वाटर लिली प्योरीफाई वाटर प्रोफेशनल, ये देखिए। एक्चुअली लॉरियल्स का ही बहुत टाइप का आता है, अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग हेयर्स के लिए, ये एक्चुअली रिपेयर्स के लिए है। यहाँ पे मैं क्रीम लूँगी लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस, और ये रिपेयर्स के लिए होते हैं, क्योंकि जिसका हेयर्स ज़्यादा डैमेज होती है ना फ्रेंड्स स्ट्रेटनिंग और हाईलाइट से, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। और एक्चुअली फ्रेंड्स तो लॉरियल का ऐसे भी मुझे अच्छा लगता है। और एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, लॉरियल का बहुत अलग अलग टाइप से हेयर स्पा आती है, तो दिखाती हूँ और मेरे पास क्या है। और ये देखिए रिपेयरिंग क्रीम बट, ये है रिपेयरिंग्स का, और साथ में लूँगी ये वाला ऑयल्स। देखो अभी मेरे हेयर, और ये भी अलग अलग टाइप का होता है फ्रेंड्स, जिसका मतलब हेयर ज़्यादा रफ्ट है या फिर स्कैल्प में ज़्यादा उसका मतलब। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लूँगी लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस रिपेयर, ये एक्चुअली ज़्यादा जिसका मतलब डैमेज हो जाता है हेयर्स तो हाईलाइट करके या स्ट्रेटनिंग करने के बाद, तो उसके लिए रिपेयर्स होती है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और मेरे पास और भी है हेयर स्पा लॉरियल का प्रोफेशनल पेरिस, ये है रिपेयरिंग क्रीम बट, ये देखो ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है फ्रेंड्स हेयर्स में, जिसका मतलब डैमेज होता है उसके लिए है। और मैं यहाँ पर इम्प्योर्स लूँगी ये वाला, देखो फ्रेंड्स प्रोफेशनल कॉन्सेंट्रेट ये है, और ये देखो हाइड्रेटिंग
बूस्टर। ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, इसका भी अलग अलग आती है, जिसका मतलब स्किन में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होती है उसके लिए अलग आती है, और फ्रेंड्स जिसका हेयर्स बहुत ज़्यादा मतलब हेयर्स फॉल हो रही है उसके लिए भी अलग होती है। तो मेरा अभी थोड़ा डेंड्रफ जैसा हो रहा है, इचिंग हो रहा है कुछ दिन से, तो मैं इसे थोड़ा स्केल्प में यूज़ करी। और फ्रेंड्स एक बात बताऊँ, आप यदि इम्पल्स यूज़ करते क्रीम का साथ, तो इम्पल हमेशा आपके स्कैल्प में होना चाहिए, नॉट कि मतलब कि लेंस में नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्कैल्प में ही होना चाहिए यूज। फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा क्रीम, फ्रेंड्स थोड़ा सा इम्पल्स ही यूज़ करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि दोनों एक साथ एक ड्रॉप हो जाए। ये देखो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से स्कैल्प में लगाना है ताकि स्कैल्प पर जितने भी प्रॉब्लम्स हो, डस्ट हो, अच्छी तरह से मतलब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फ्रेंड्स। और फ्रेंड देखो, इस तरह से स्कैल्प में लगाना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि आपका स्कैल्प में जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। और फ्रेंड ये बिना ऑयल का जाएगा लेंथ पे, अभी हो रही है लेंथ पे क्रीम का काम फ्रेंड्स। छोटे छोटे सेक्शन करके पूरी मतलब मसाज दे के करना है, लगाना है क्रीम्स को। और फ्रेंड यहाँ पे देखो मसाज अभी हो रही है, और मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स स्पा के, हेयर स्पा में। और आप जितनी अच्छी तरह से मतलब मसाज करेंगे, आपके कस्टमर या फिर आप खुद का ही करा रहे, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और स्पा में वही है फ्रेंड्स, रिलैक्स भी करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मसाज अच्छी तरह से करिए ताकि आपका क्रीम भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए हेयर्स में, और स्कैल्प का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, और आपको भी बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स फील हो। और फ्रेंड हेयर स्पा में स्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। 5 to 10 minutes होता है फ्रेंड्स, 10 minutes तो करना ही है फ्रेंड्स, तो कर लेती हूँ स्टीम को। और फ्रेंड अभी मेरी हेयर में वॉश हो रही है, पूरी अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी क्रीम नहीं रहना चाहिए, ताकि क्रीम रहने से क्या होता है फिर से मतलब स्कैल्प में प्रॉब्लम्स होने की चांस होती है फ्रेंड्स। तो और अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है, और इस स्टेप में ध्यान देना है कि इसमें शैम्पू ना करें, सिर्फ क्लीन वाटर से ही वॉश करें, प्लेन वाटर से, और अच्छी तरह से ये वॉश करिए। तो अभी होगा फाइनली फ्रेंड्स टॉवल ड्राई, और उसके बाद ड्रायर से सुखा लेंगे। और अभी हो रहा है फ्रेंड ड्रायर का काम। तो फ्रेंड फाइनली अभी हो रहा है मेरा हेयर्स में सीरम अप्लाई, और सीरम हमेशा नीचे वाला मतलब लेंस में तो यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। तो स्कैल्प में करोगे तो फिर से डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा, और बहुत सारे हेयर फॉल्स होने का चांस होती है। तो फ्रेंड देखते रहिए वीडियो को। तो फ्रेंड अभी लास्ट एंडिंग में मेरा हेयर्स में हो रहा है सीरम अप्लाई, जो कि हमेशा लेंथ में लगाना है हेयर्स के, और स्कैल्प में मत लगाइए सीरम, और स्कैल्प में लगाने से क्या होता है की। और फ्रेंड अभी होंगे मेरे हेयर्स में सीरम अप्लाई, और वो भी सिर्फ लेंथ में करूँगी सीरम अप्लाई, स्कैल्प में कभी भी नहीं लगाना चाहिए सीरम्स। यदि आप लोग स्कैल्प में लगा भी लिया तो बहुत सारे हेयर फॉल्स होने का चांस होते हैं फ्रेंड्स, और हमेशा लेंथ में लगाइए। और मैं ड्राई करके रख दूंगी हेयर्स को, कोई कोई कस्टमर होता है स्ट्रेटनिंग भी खोजता है, स्ट्रेटनर से थोड़ा सा मतलब खींचना पड़ता है उन लोग के लिए उनकी इच्छा से, लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स, यदि हम लोग स्ट्रेटनर कर दिया तो हेयर्स में स्पा के बाद आपके हेयर्स में जितने मॉइस्चराइज है वो सब मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होने का चांस होती है। और मेरे हिसाब से तो जितना हो सके मतलब नॉर्मली इसे रख देना चाहिए ड्राई करके, ताकि आपकी हेयर्स में जितने भी मॉइस्चर अभी मिला है स्पा से, तो वो मतलब अच्छे से काम करें और लॉन्ग लास्टिंग हो फ्रेंड्स।